मसल्स कैसे ग्रो होती है? आप लोग बहुतों में से आप लोग कहेंगे जिम जाने से मसल ग्रोथ होती है, साइकिलिंग करने से मसल ग्रोथ होती है, किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड काम करने से मसल ग्रोथ होती है। लेकिन क्या सच्ची में किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड काम करने से हमारे मसल में ग्रोथ आती है, या फिर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट से हमारे मसल ग्रो करते हैं? क्योंकि आप बहुत बार या बहुत टाइम अगर जिम पे जाते हो तो आप सभी से सुनते हो 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट्स मेक अ परफेक्ट बॉडी। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए या मसल ग्रोथ के लिए क्या ऐसा फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। क्या यह प्रॉपर वर्कआउट है, क्या यह प्रॉपर रेस्ट है, क्या यह प्रॉपर न्यूट्रिशन है? तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। दिस इज देवादित्य, यू आर वॉचिंग DFF एंड लेट्स रोल इट आउट। तो पहले जान लेते हैं मसल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। देखिए, हमारे शरीर में कुल 600 अलग अलग तरीके की मसल्स पाई जाती है, 600 डिफरेंट टाइप्स। अब हमारे बॉडी में जो 1/3 या फिर 1.5 जो वेट होता है वो मसल्स कैरी करता है। मसल्स हमें हमारे बोन से कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू जुड़ा रहता है, जो कि हमें मूव, वॉक या किसी भी एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। तो देखिए, वेदर और नॉट आपकी हॉबी बॉडी बिल्डिंग है या नहीं, आपके मसल्स को आपकी कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहिए। क्योंकि जिस डेली बेसिस पे जैसे आप अपने मसल्स को ट्रीट करोगे, आपके मसल्स उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो ग्रो होंगे या डिटोरिएट करेंगे। अब एक छोटे से एग्जांपल को इस चीज को अच्छे से समझते हैं। सपोज आप एक लो वेटेड डंबल या फिर एक बारबेल रॉड को आप पुल कर रहे हो, तो आपका जो ब्रेन और मसल्स है वो परफेक्टली पोजिशन या फिर परफेक्टली कॉन्फिडेंट है कि आपको आपके गोल को अचीव करवा सके। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्रेन आपके आर्म्स में जो मोटर न्यूरॉन प्रेजेंस है उस पर सिग्नल भेजता है, उस पर एक मैसेज भेजता है ताकि वो फायर अप हो जाए और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्स का प्रोसेस हो और आप अपना वेट को उठा सको और आप आपका गोल को अचीव करवा सको। देखिए, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ही बड़ा आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा आपके मसल्स पे। फॉर एग्जाम्पल, इसको और भी अच्छी तरीके से अगर आपको जानना है, आप कोई हैवी वेट उठा रहे हो अपार्ट फ्रॉम लाइट वेटेड डंबल्स एंड बारबेल्स। सपोज आप मान लो आप हैवी वेट डेडलिफ्ट करोगे या फिर हैवी वेट सुमो डेडलिफ्ट करोगे, तो अकेले आपके आर्म्स उसको उठा नहीं पाओगे। आप कैसे डेडलिफ्ट करते हो, अपने पैर को अच्छे से ग्राउंड में प्लेस कर लेते हो, उसके बाद कमर को स्ट्रेटन करते हो, चेस्ट को अप करते हो और आपके आर्म्स में शोल्डर्स और फुल बाइसेप्स ट्राइसेप्स के प्रेशर से उसको उठाते हो। तो इसमें क्या हुआ, अभी इसमें आपका नर्वस सिस्टम ने क्या किया, आपके बॉडी में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस थे अपार्ट फ्रॉम आर्म्स मसल्स, उसने सभी को यूज किया। आप समझ रहे हो मेरी बात को, आपके जो नर्वस सिस्टम ने आपके बॉडी में अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी थे या फिर अवेलेबल मसल्स जितने भी थे, जो भी आपको हेल्प कर सके, उसने सबको फोर्स किया ताकि वो आपके आपके गोल को अचीव करवा सके और आप उस हैवी वेट को उठा सको। तो देखिए, वाइल ये सब कुछ हो रहा है तो आपके मसल फाइबर में कुछ सेलुलर चेंजेस होते हैं। कैसी सेलुलर चेंजेस? देखिए, आप अपने बॉडी को जब स्ट्रेस में एक्सपोज कर रहे हो या ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो आपके मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक इंजरीज हो रही है, जो कि इस केस में एक अच्छा सिंबल है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो इंजर्ड सेल्स है उससे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग साइटोकाइंस के नाम से भी जानते हैं। साइटोकाइंस याद रखिएगा। अभी साइटोकाइंस का क्या काम है, वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो आपके डैमेज सेल को रिपेयर कर सके, आपके डैमेज मसल फाइबर को रिपेयर कर सके। इसी समय बॉडी बिल्डिंग वाली मैजिक काम करती है। देखिए, जिम में जाने से, दौड़ भाग करने से आपके मसल्स बड़े और स्ट्रांग नहीं हो रहे, आपके मसल्स डैमेज हो रहे हैं। जब आपके मसल्स रिपेयर होते हैं तभी आपके मसल्स बड़े और स्ट्रांग होते हैं। तो ये देखिए, यही जो साइकिल है ये रिपीटेडली जब होते रहेगा, एक बार डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, तभी आपके मसल्स बड़े और स्ट्रांग होंगे। तो अभी देखिए, मसल बिल्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, अभी आप अगर रोजमर्रा वाले काम करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके मसल्स बड़े होंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि रोजमर्रा के काम में आपकी आपका जो बॉडी है वो अडॉप्ट कर चुका है। तो शू लेस बांधना, किचन से जाके एक ग्लास पानी पीना, अपना बिस्तर को असेंबल करना या फिर रूम को अरेंज करना, इससे आपका बॉडी इनफ स्ट्रेस पैदा नहीं कर पाएगा ताकि न्यू मसल का ग्रोथ पॉसिबल हो। तो न्यू मसल का ग्रोथ अगर आपको पॉसिबल करवाना है, आपको क्या करना है, आपके बॉडी में
ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड को बढ़ाना है और स्ट्रेस को बढ़ाना है, इस प्रोसेस को हम लोग मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मसल हाइपरट्रॉफी में हम अपने बॉडी में स्ट्रेस या वर्कलोड को बढ़ाते हैं ताकि न्यू मसल का ग्रोथ हो। तो इसका जो ऑपोजिट है उसको हम लोग मसल एट्रॉफी कहता है। मसल एट्रॉफी का मतलब क्या होता है? मसल एट्रॉफी का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप अपने बॉडी में जो स्ट्रेस या फिर ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड दे रहे थे उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको देना बंद कर देते हो। तब क्या होता है, आपके बॉडी में जो मसल्स थे वो श्रिंक होना शुरू कर देता है क्योंकि उसको नहीं चाहिए उतना, जरूरत नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, मसल्स को श्रिंक कर देगा। तो इस श्रिंकिंग वाले प्रोसेस को भी हम लोग मसल एट्रॉफी कहते हैं। अभी देखिए, मसल बिल्डिंग के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी इसकी ऑपोजिट में इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ लेते हैं। सपोज आप अपने मसल्स को हाई डिग्री टेंशन में आप लेंथन कर रहे हो, आप इसको स्ट्रेट अप कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप हाथ में कुछ वेल्ट होल्ड कर रहे हो, आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको मतलब लेंथनिंग करके रखे हो। तो आप लेंथनिंग जब कर रहे हो इसको हम लोग इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें भी आपके मसल, न्यू मसल ग्रोथ होने का चांसेस है, पॉसिबल है, क्योंकि आपके मसल तो लेंथन हो रहे हैं ना। जैसे कि एक एक्सरसाइज है बाइसेप्स को बड़ा करने के लिए, फार्मर्स वॉक में क्या करता है, हम लोग डंबल्स को होल्ड करके सीधा रखते हैं। सीधा रखने से क्या होता है, एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है, स्ट्रेच खिंचाव पैदा हो रहा है हाथ में, ताकि ग्रोथ हो, मसल्स का ग्रोथ हो। अब देखिए, जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में पहले ही कहा था, मसल बिल्डिंग सिर्फ एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमारे डेली, हमारा फूड हैबिट कैसा है, हमारा रेस्ट कैसा है, हमारे हॉर्मोन्स किस तरीके से हमारे बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि एडिक्वेट प्रोटीन कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हुए तो वो आपको प्रोटीन ऑक्सीडेशन करवा सकता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आपको प्रोटीन ऑक्सीडेशन या फिर प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करने से कैसी साइड इफेक्ट्स हो सकती है जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेक करिए, मैं लिंक डाल दूंगा मेरे प्रोटीन फास्टिंग वाले वीडियोस की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी एडिक्वेट प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारे न्यू टिश्यूज में बिल्डिंग ब्लॉक के काम करता है, न्यू टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन 9 डिफरेंट तरीकों की एमिनो एसिड से बनता है। तो एडिक्वेट प्रोटीन, सफिशियंट प्रोटीन और अच्छा हार्मोन फ्लो अगर आपके बॉडी में होगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया इंसुलिन या फिर मसल बिल्डिंग हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, तो आपके बॉडी में जो मसल बिल्डिंग मतलब ये मसल रिपेयर वाली पोटेंशियल है वो अच्छी और क्लीन रहेगी। तो हाँ, ये मसल बिल्डिंग का जो गेम है इसमें एज और जेंडर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, मालूम नहीं भी है तो मैं अभी बोल देता हूँ, फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल 15% लेस टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसा कि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग में, क्योंकि वो प्राइमरी हार्मोन है मसल बिल्डिंग वाले प्रोसेस में। और एज भी एक फैक्टर है, क्योंकि आपका एज जितना होगा 50-60 आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्शन कम हो जाता है। कम होने से क्या हो रहा है, आपके मसल बिल्डिंग में आपको एक स्टेप आप नीचे रह रहे हो एज कम्पेयर टू यंग मैन, क्योंकि यंग मैन में टेस्टोस्टेरोन का फ्लो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो एक स्टेप अप रह रहे हैं। तो इसमें नॉट ओनली एज एंड जेंडर, जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जिन लोगों का जेनेटिक्स अच्छा होता है उन लोगों का जो इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शंस होता है ये मसल रिपेयर वाले प्रोसेस में वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा होने के कारण क्या हो रहा है, वो जो उनके बॉडी में जो मसल बिल्डिंग वाली पोटेंशियल है उसको बढ़ा रहा है, मसल बिल्डिंग का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो अच्छा मसल ग्रोथ हो रहा है, ज़्यादा जल्दी से हो रहा है। तो अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे कि अगर आप लोग अच्छा खाओगे, अच्छे से रेस्ट लोगे, अच्छे से वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी में जो मसल रिपेयर वाली प्रोसेस है वो अच्छे से होगी। अब ये जो वाइटल प्रोसेस है वो स्पेशली कब होती है, जब आप लोग रेस्ट में होते हैं, जब आप लोग रात को रेस्ट ले रहे होते हैं या फिर सो रहे होते हैं, क्योंकि आपको हर जगह कहा गया है, जिम में भी, इवन अपार्ट फ्रॉम जिम आपको कहा गया है, क्योंकि अगर आपको अच्छी बॉडी या वेल डिफाइंड बॉडी चाहिए तो प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग रेस्ट ले रहे हो तब आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है और रिपेयर होने से आपके मसल स्ट्रांग और बड़े हो रहे हैं। तो देखिए, आप अपने बॉडी में जैसा डिमांड प्लेस करोगे आपकी बॉडी उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगी। आप अच्छा खाना खाओगे, आप अच्छे से वर्कआउट करोगे, आपके हॉर्मोन्स अगर प्रॉपरली फ्लो करेंगे, अच्छे से रेस्ट लोगे और इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको आपके मसल्स को स्ट्रांग और बड़ा बनाने में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मसल बिल्डिंग हमारे लाइफ जैसी है, मीनिंगफुल ग्रोथ के लिए स्ट्रेस और चैलेंजेस होना
बहुत ही जरूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छी लगे इसी तरीके की वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।